अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे दोस्तों। यार जो कल फार्म में आपको हैवी बुलडॉग दिखाया था ना, उस भाई की रात को कॉल आई थी। वो नाराज हो रहे थे, वो कह रहे हैं आप बुलडॉग क्यों नहीं ले गया। मैंने पहले की तरह उनको बात की, यार गिफ्ट हम लेते नहीं है, अच्छा नहीं लगता यार इतना बड़ा गिफ्ट। वैसे आपको बताऊं बुलडॉग होता कितने का है, 2-3-4 लाख रुपए का बुलडॉग होता है, हैवी बुलडॉग जिस तरह के उनके पास थे। तो खैर आज हम अपना बुलडॉग लेने के लिए जा रहे हैं, हमारे बुलडॉग का सौदा हो चुका है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि हम 50,000 सब्सक्राइबर पे अपने बुलडॉग की एक हैवी किस्म की शादी करेंगे। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए लेके आ रहा हूँ। वैसे भी यार जब से हमारा बुलडॉग गया हुआ है ना, मेरा दिल पैटा उसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कब से हम ढूंढ रहे थे, मिल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि यार हमारे एरिया में ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला हो रहा है जिसमें हैवी बुलडॉग आएंगे लड़ाई करने के लिए, और जिनके पास बुलडॉग है ना वो इसी वजह से नहीं दे रहे थे, मेले की तैयारी करवा रहे हैं लड़वाने के लिए। खैर एक बुलडॉग के साथ हमारा सौदा हो गया, उसी को अब हम लेने के लिए आ रहे हैं अपने पैटा उसके लिए। ये वसीम भाई हमें दिलवा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। और रहने दे यार चोरी करने, पहले खोते का बच्चा इसने चोरी करवाया, अब तुमने बुलडॉग चोरी करवाना है। चोरी करने में मजा आएगा, मजा क्या आना, चोर बनना है क्या अपन? नहीं यार कुछ नहीं होता यार, वो लड़का ना मेरे पेट्रोल पंप पे काम करता है कुत्ते का मालिक, तो हम जाके कुत्ता उठाते हैं उसकी रजामंदी से उठाते हैं। उसको बता तो देना कि हम लेने के लिए जा रहे हैं। उसे बता दूंगा मैं, खुद उसे हैंडल कर लूंगा। तू चल, तो वो कुत्ता काटेगा ना, अम्बुली कुत्ता होना है वो। मैं आता जाता हूँ ना, कुत्ता मेरा दोस्त बना हुआ है। तो उसके अब्बू को उसके भाई को पता चल जाएगा, उसको बुलाऊंगा ना वो भाग के आ जाएगा, हम उठा के गाड़ी में मारेंगे। तू चल यार, चोरी चोरी यार, ये दोनों ना मुझे चोर बनवा रहे हैं। लेकिन यार हम चोरी नहीं करेंगे, उनसे पूछ के लाएंगे, उनके घर से लेके आना ना, आराम से। दोस्तों अब हम जाते रहे हैं यार, आपके जिम्मे एक ही काम है यार सब्सक्राइब का, जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब मार दो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो साथ बेल आइकन को भी दबा देना यार। दोस्तों यार हम ट्रैवल कर रहे थे, अफसोसनाक वाकया हुआ है, एक नेवला ना सड़क क्रॉस कर रहा था, हमारी गाड़ी के नीचे आ गया यार। मैंने काफी गाड़ी को ना रोक लिया था, स्लो कर लिया था, फिर भी यार गाड़ी के नीचे आ गया, तो काफी पीछे है यार। हम थोड़ा सा ना स्पीड में थे इसलिए ना स्पीड जल्दी लगी नहीं है। ओ देख यार जिंदा तो नहीं है, मर गया। ओहो यार बड़ा अफसोस हुआ यार, चल छोड़ यार इसको, दफनाते हैं जल्दी से ना, ऐसे सड़क पे पड़ा रहेगा। यार नेवले का ना छोटा सा बेबी है, इधर होल होगा उनको, कोई पता नहीं कहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पे खड्डा करो यार, वो सामने खड्डा है दरख्त के पास, वहाँ पे दफना देते हैं। सॉरी यार। दोस्तों यार बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमने बुलडॉग को उठाना है। यार इतनी दूर लेके आए, तकरीबन 60-70 किलोमीटर होगा ना यार, इतना सफर करवा के लाया और गाड़ी का हाल देख लो यार, रेगिस्तान के इलाके में आए, इतनी गंदी गाड़ी हो गई है। जल्दी से बुलडॉग की तरफ चलते हैं, उसको उठाते हैं और चलते हैं यार। दोस्तों जिस बुलडॉग को हम लेने के लिए आए ना, उसके जो छोटे छोटे भाई है ना, वो हमारा वेलकम कर रहे हैं भोंके। क्या मसला यार, हमें भोंक रही है तुम्हारी, इतनी हिम्मत क्या यार, इनसे पूछ किया भी बैठा है उसका भाई। हाँ उसका भाई ये सामने बैठा हुआ है यार, तूने यहाँ पे चौकी लगाई हुई है, नजर ही नहीं आ रहा, वो गार्ड तो नहीं बैठाया हुआ कहीं यहाँ पे, नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल। इसका भी कलर वैसे है और डॉग का भी वैसे है, क्या मसला है यार, बड़ा शरीफ है ये। और वो जो दूसरे है ना, वो पटाखे मार रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज से ना, बोल रहे हैं हमारे पे। इधर मैं तेरे से पूछूं। दोस्तों अभी हम ना बुलडॉग के आने का ना वेट कर रहे हैं, भाई ना कहाँ पे गए हैं और साथ बुलडॉग को भी लेके गए हैं। इस तरह हम चोरी तो नहीं कर सकते, जो प्लान किया था, चोरी तो नहीं होगी ना, तू इधर बैठ जाना, आ जाते हैं। मेरा भी यही ख्याल था कि हम ना उनसे पूछ के लें, तो अब वो बुलडॉग लेके गए हैं तो उनसे पूछ के लेना पड़ेगा ना। और तुझे आते साथ नींद आ गई, खड़ा हो क्या हो गया, तेरी चाय बनवा रहे हैं। आज वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। तेरी ये कुत्ता है यार, तू जो कह रहा था बुली कुत्ता है भाई, ये बुली है, 6 मंथ का बच्चा है अभी यार। बच्चा फुल बुली लेना था यार, ओहो काफी इतना बड़ा बुली डॉग होगा, तो वो मैं भी वही सोच रहा था कि हमारे जैक जितना होगा या हमारे जैक से बड़ा होगा। लेकिन यार ये तो बच्चा है यार, तूने तो मेरी तस्वीर में बड़ा दिखाया था। कुछ नहीं होता यार, ये 6 मंथ का बच्चा है, इसको हम पालेंगे ना तो ये जैक से बड़ा होगा। तेरी बात ठीक है यार, पालने वाली, तुझे क्या हो रहा है यार, जा तू गाड़ी में जाके बैठ जा, ज्यादा डर लग रहा है, जा गाड़ी में बैठ जा। यार भाई ना मुझे बेबी दिखा रहे हैं और इसको हम पालेंगे और इसको बड़ा करेंगे। यार मैं तो बड़ा जानवर लेने का सोच रहा था यार, हमारे वहाँ पे ना मेला हो रहा था, मैंने सोचा था तैयारी शेयरी करवाएंगे और मेले पे लड़ाई के लिए लेके जाएंगे, लेकिन यार ये तो छोटा है, सोच रहा था ये बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा ये। लेकिन यार ये वाला है तो प्यारा यार, ये मेरा छोटा भाई नहीं जो लेके फिर रहा था। हाँ उसके साथ लड़वाएंगे, नहीं नहीं लड़ाई थोड़ी करवानी है यार, वैसे मेले पे लेके जाना था। जैक का बच्चा लग रहा है ना, जैक वाला कलर है इसका ना। दोस्तों यार अब मेरे लिए ना डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यार इतना ज्यादा हम सफर करके आए कि हम इसको अपने पेट हाउस में लेके जाएं कि रहने दे, छोटा सा बेबी है, मैंने बड़ा सोचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मुझे आके ना सरप्राइज मिल गया, क्योंकि हरकतें कर रहा है। और यार इसको सुला दे यार, इसको नींद आ रही है, इसको वहाँ पे ना खेतों में सुला दे, जा यार यार ये वाला डॉग ले दो यार, यार तो इसको ले जा, इसको पाल, इसको बड़ा कर, ये सही टाइट हो जाएगा, ये जैक अपने का बच्चा है यार। यार बात ठीक है, मैंने ना आप लोगों से मशवरा लेना था कि हम इसको लेके जाएं कि नहीं, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है क्योंकि इतना सफर करके आए हैं, दोबारा थोड़ा ही आएंगे। अच्छा ऐसा करते हैं फिर, ये इसको हम रखते हैं, इसके अलावा एक और बड़ा जानवर ले आते हैं, हैवी बुलडॉग, जिसकी हम लड़ाई वगैरह करवाएंगे। हाँ ठीक हो गया ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम इसको भी लेके जाते हैं अपने पेट हाउस में, और इसके अलावा एक और ढूंढते हैं हैवी किस्म का बड़ा बुलडॉग, जिसके हम मेले पे भी लड़ाई कराएंगे और अपने पेट हाउस में मुसलसल रखेंगे, इसको भी अपने पेट हाउस में ले जाते हैं। चलो जाके जाने की उदासी है ना, ये उदासी फील नहीं होने देगा।
दोस्तों यार अब चाय वगैरह पी रहे हैं, ब्रू डॉग का हमारा सोता हो गया। अंकल जी उसको बेल्ट वगैरह पहना के ना ले आए, हम लेके चलते हैं। यार थोड़ी सी लुक दो हुई है अभी, तेरी नींद खत्म करने के लिए चाय दी है। और नहीं चाय और नहीं यार, ये कोई बात ना हुई यार, फिर मैं सो रहा हूँ इधर। और चाचा इधर तू कुत्ता चढ़ा दे। चाचा जी साइड से कर लो, चाचा साइड से कर लो। पकड़वा यार, यार उसको पकड़वा, तूने मुर्गा पकड़ लिया यार। अंकल डॉग खोल के लाए और इनके साथ ना लड़ पड़ा यार। ये तो आपके छोटे भाई, इनके साथ क्यों लड़ रहे हो? इधर इधर यार। अंकल जी इसको ना जल्दी से ना गाड़ी में लोड कर दे यार, ये ना कोई लड़ाई वगैरह हो जाए। यार हम तुझे लेके आए, तूने इतना भरपूर फायदा उठाया यार, लूट लिया सबको यार। इतनी बड़ी ड्रमी इसने दूध की भरवा ली है और मुर्गा भी ले लिया। मुझे कहा है कि मुर्गा तूने खाना है और मैं जिम वगैरह करता हूँ, उन्होंने कहा दूध वगैरह पिया कर। ना 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 ना, ये जो मुर्गा है ना ये हमारे पेट हाउस में जाएगा सीधा। नहीं, नहीं, अभी नहीं। कढ़ाई बना के खानी है जाके। नहीं, नहीं खाना कोना नहीं, ये पेट हाउस में जाएगा। ओ चल यार उधर चल, पहले तूने लड़ाई कर ली छोटे बच्चों के साथ। इसको लेके जाएंगे ना, इसकी जो बदमाशी है ना सारी वहाँ पे जाके खत्म कर देंगे। जो हमारे जैक के साथ हैवी वाला बुरी डॉग लड़ा था ना, इसके साथ उसका फड्डा डलवा देना अगर इसने आंदा कोई बदमाशी वगैरह की तो। इसको ना अब हम गाड़ी में लोड करने लगे हैं। पकड़वा यार वसीम। ओ चाचा ने खुद ही उठा लिया। आराम से आराम से आराम से आराम से, जोर से बंद करनी थी ना। ओए मुर्गे तेरी ऐसी की तैसी ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, साइड पे हो जा। ओ इसकी आईज को क्या है? एक रेड है एक दूसरी है। ओ नहीं इसकी आईज बंद तो नहीं है? नहीं, नहीं मोटी हुई हुई है। नहीं चेंज है। हाँ एक आईज और है, एक और है। फाइनली दोस्तों यार काफी ज्यादा सफर करने के बाद ना काफी थक भी गए हैं, बुरी डॉग को लेकर अपने पेट हाउस में पहुंच आए हैं। अभी हम थोड़ी सी ना साइड पे खड़े हैं, अभी इसको ना अनलोड करते हैं। डिग्गी खोल यार। हेलो भाई क्या हाल है, कैसा गुजर आपका सफर, कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? भाई मैं कुछ निकालता हूँ यार, निकालने दे वो। देख बेचारा कितना बेचैन हो रहा है बाहर आने को। आज 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 यार इधर आ, थोड़ी सी ना आपकी वॉक करवा के आता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश भी हो लो। डिग्गी बंद कर यार, गाड़ी को ले जा, मैं अभी आ रहा हूँ। हमारे टाउन की जो फीमेल डॉग है ना, जिसके भी मैंने आपको दिखाए थे, हमारे बुरी डॉग का ना वेलकम करने के लिए आई है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इनके आपस में लड़ाई ना हो जाए। इधर आओ यार, वो आपका वेलकम करने के लिए आई है, ये उससे लड़ रहा था। बुरी डॉग का ना मैं ऊपर छत पे ले आया हूँ, हमारे जैक मेरी जगह पे बांध दी। इसका खाना रेडी हो रहा है, अभी इसको खाना भी खिलाते हैं, इसकी शॉपिंग करके आते हैं, मार्केट चलते हैं, इसका ना बेल्ट भी लेके आते हैं और इसका रसा भी लेके आते हैं, जैसे पीछे बांधा हुआ था ना लोकल वही है। और हम पहले की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे यार, हमारी फीमेल बुरी डॉग आई थी उसका ना यार रस्सा टूट गया था, वो भाग गई थी। कोई अच्छे वाला मजबूत वाला लेके आएंगे उसका, पहले यार बड़ा नुकसान हुआ हमें। एक दिन लेके आए और दूसरे दिन वो भाग गई थी। कोई भी जानवर अपनी जगह चेंज करता है ना, कहीं और जाता है, तो वो ना रस्सा तोड़ने की कोशिश करता है, तो रस्सा मजबूत होना फिर वो कहीं नहीं जा सकता। तो अभी तो काफी रस्सा इसका मजबूत है, तो आपने इधर ही रहना यार, कहीं जाना नहीं है। इधर आपकी अच्छी खासी खिदमत करेंगे, तुम्हारी केयर करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों आप ये वाली मुर्गी देख रहे हैं ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो सामने वाली रेड वाली, ये हमारी गोनिया फॉल जो फिर रही है ना उनकी मम है। और ये ना दोबारा कुड़क पे आ गई, और हमारी डक्स के अंडे भी पड़े, और मैंने देसी अंडे भी रखे हुए और रसील अंडे भी है। तो आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि इसको हमें दोबारा कुड़क पे बिठाना चाहिए, मतलब अंडों पे बिठाना चाहिए कि नहीं। नहीं तो मैंने इनको बेटर लाने का सोचा हुआ है, इसलिए मैं अंडे जमा कर रहा हूँ। तो ये भी कुड़क पे आ गई है, तो अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मुर्गी के नीचे अंडे रख के निकलवाए जाए या इनको बेटर लेके कि उसके अंदर से बेबी निकलवाए जाए। इस कपड़े को उतार देते हैं यार, ये मैंने इसलिए लगाया था ताकि मास्टर केयर में ना ठंडी हवा ना जाए। बड़ी केयर कर रहे हैं, फिर भी हमारे एक दो कलरफुल चिक्स ना एक्सपायर हुए जा रहे हैं। कल ना हमारे मोहल्ले के छोटे बच्चे आए, काफी जिद कर रहे थे, वो कह रहे हैं थोड़े से कलरफुल चिक्स दे दो, हमें दुकान से मिले नहीं है, तो काफी जिद कर रहे थे। इस वजह से यार मैंने थोड़े से उनको दे दिए हैं। वैसे भी यार हमारे से एक्सपायर हो रहे थे, बच्चे सही से केयर करते हैं, केयर तो हम भी अच्छी कर रहे हैं, फिर भी यार बच्चों को ना खुश करने के लिए मैंने थोड़े से दे दिए। और आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।